मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है वो है न्यू। न्यू से हम टेम्पलेट अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ या कुछ बने हुए टेम्पलेट के डिफरेंट डिजाइन है, अगर हम इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें तो उसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से हमें कोई भी पसंद नहीं आता और हम मजीद चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर देखें तो सर्च बार है और नीचे डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, बिजनेस, पर्सनल, इंडस्ट्री, डिजाइनिंग, इवेंट, एजुकेशन और लेटर। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टेम्पलेट को सर्च करके आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे कोई लेटर ऐड करना है तो मैं लेटर पे क्लिक करूंगी तो आप देखें सर्चिंग थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट का, आप हजारों की तादाद में ऑनलाइन टेम्पलेट जो है सर्च कर सकते हैं। लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद ये देखें डिफरेंट लेटर के स्टाइल मेरे सामने अपियर है और लेटर में भी कैटेगरीज हैं। इसमें से आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक को सिलेक्ट करें तो उसी टॉपिक से रिलेटेड लेटर के सैंपल आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपको लेटर में से कोई सैंपल नहीं चाहिए तो आप इस होम के बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इस मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर मुझे एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो मैं एजुकेशन पे क्लिक करूंगी, वापस लोडिंग शुरू हो जाएगी तो आप देखें एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल है। अब इसमें से अगर मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करूं, मैं बच्चों से रिलेटेड कोई बुक क्रिएट करना चाह रही हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मुझे प्रीव्यू नजर आ रहा है और इसका साइज भी नजर आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट का साइज कितना है। और अगर ये टेम्पलेट मुझे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी और लोडिंग शुरू हो जाएगी। और कुछ देर लोडिंग होने के बाद तो आप देखें ये टाइटल मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। अब इसमें मैं अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकती हूँ और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे रिमूव करके मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकती हूँ। अगर मैं इस एरिया पे आऊँ और ऑर्गेनाइजेशन का नेम रिमूव करके मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ और उसके बाद अगर मैं इस एरिया पे आऊँ और मुझे अपने बुक का नाम देना है तो मैं यहाँ पे अपनी बुक का नाम ऐड कर दूंगी, माई बुक मैं लिख देती हूँ। और अगर मैं नीचे आऊँ और इसको रिमूव करके यहाँ लिख दूँ This is about children under 4 year के मैं ये जो बुक कंपोज कर रही हूँ ये 4 साल से छोटे बच्चों के लिए है। उसके बाद मैं यहाँ टाइटल हेडिंग वगैरह ऐड कर सकती हूँ कि मैंने अपने बुक में कौन कौन सा कंटेंट डाला है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं इस तमाम टेक्स्ट को रिमूव करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट डाल सकती हूँ। और अगर मैं इसका साइज छोटा करना चाहूँ तो मैं इसका साइज भी छोटा कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ। और अगर इसमें से मैं कोई पार्ट डिलीट करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और डिलीट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरा वो सेल डिलीट हो गया। अब इसी तरह से वन बाय वन मैं इसके डिफरेंट पोर्शन डिलीट कर सकती हूँ और उसकी जगह कुछ नया टेक्स्ट वगैरह ऐड करके इसकी एडिटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।